तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। तो यार, आज ये जो पुराना डीजल इंजन आप लोगों को दिख रहा है ना, ये बहुत काम का ड्यूटी कर रहा है। यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो ऊपर OHE की तार नहीं है, ठीक है? तो यार, इन OHE तार को डालने की जो ड्यूटी है ना भाई, वो इस WDM-3D के जिम्मे है भाई। ये पूरी ड्यूटी करेगा, ईमानदारी से करेगा। और जो कुछ केबल लगी है उनकी जांच करने के लिए अगर आप देखेंगे तो पीछे जांच कर्मचारी डिब्बे पे चढ़े हुए, एक इंजन है इनके पास में, हालांकि बंद है, काम नहीं कर रहा, बिना बिजली के काम कैसे करेगा ये, लेकिन इसकी पेंटोग्राफ ऊपर है। और पीछे के कोच में भी एक कुछ लोग सवार है। यहाँ पे दो केबल तो ख़त्म हो चुकी है और इसके साथ में यहाँ पे कुछ और रॉड्स लगी हुई है। तो धीरे धीरे करके अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए इन सारे जो केबल लग रहे हैं उन सेक्शंस को हम लोग चेक करने वाले हैं। तो आप ट्रैवल कर रहे हैं WR-V1 रूट के अंदर, डिस्काउंट में 30 तारीख को मिलेगा भाई, ले लेना। और ये जो पीछे के कोचिज़ है ना, ये ICF के, ये IndianTrainSim.com के हैं, इंजन भी उन्हीं का है, ये भी IndianTrainSim.com का है, पीछे वाला है रोलिंग स्टॉक ट्री है। और भाई ये इंसान है, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये चेक करने वाले OHE को कि क्या केबलिंग सही से हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों, धीरे धीरे करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ डिस्टेंस तक इस लोकोमोटिव से चलेंगे और फैक्ट्री वगैरह के केबल को भी चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हॉर्न बजाया जाएगा। कैसा लग रहा है दोस्तों ये सफ़र आपको? आपने जनरली ऐसा देखा नहीं होगा, बहुत कम देखने को मिलती है ये सारी चीज़ें रेलवे के अंदर। वैसे इन डिब्बों के ऊपर, कैरेज के ऊपर एक प्लेटफॉर्म लगाया जाता है, उसके बाद ये लोग उस पर चढ़ के इस OHE का काम करते हैं। तो मैं रफ्तार को धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिंस हम लोग फ्लैट सेक्शन में है। और ये लोग तो भैया टाइम देख देख के ही परेशान हो रखे हैं। ट्रेन के ऊपर सफ़र करना कानूनन अपराध है भाई, तो सफ़र मत कर लेना भाई कोई चढ़ के। यार आगे से OHE आ जाएगी, वहाँ पे ये लोग OHE को चेक करेंगे, मैं ट्रेन को रोकने वाला हूँ। OHE की इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस समय लोको पायलट की ड्यूटी पर हूँ और पीछे के जो मेंबर्स है वो OHE को चेक करेंगे, तो मुझे रोकना पड़ेगा एक बार ट्रेन को यहाँ पे। और हम यहाँ पीछे से खड़े होकर ऊपर देख नहीं पा रहे हैं, एक बार हम लोग चेक करेंगे जो भी जॉइंट्स है, जॉइंट्स मतलब कि जहाँ से ट्रैक चेंज होते हैं वो जगह सही है या नहीं है, वो चेक करनी है हमको स्पेशली। अब जैसे कि एक लाइन जो ये हमारी रतलाम की ओर जा रही है, दूसरी लाइन जो है वो हमारी अहमदाबाद की ओर जा रही है, तो हमको उसको टेस्ट करना है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अहमदाबाद वाली लाइन को हम लोग जॉइंट के ऊपर चेक करेंगे, सिंस फिलहाल के लिए हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, WR की लाइन है वो, और वो लाइन जो है इस रूट के अपडेट में आने वाली है, तो भाई देखना पड़ेगा। BRC अपडेट, 100 किलोमीटर का एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट।
और भाइयों आप लोग चेक करते रहो, बस चेक करते रहो इसी प्रकार। तो भाई लोग अपने सारे के सारे चेक कर रहे हैं, केबल इनकी जो है केबल की हाइट वगैरह एकदम परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है भाई इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब कुछ। आप जैसे कि देख सकते हो सारी चीज़ एकदम करेक्टली चल रही है, कोई इश्यू नहीं है। और ये पीछे हमारे एक वैगन जो है वो साथ ही साथ चल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग अब ट्रेन को स्लो करेंगे क्योंकि जो ट्रेन का ट्रैक है वो चेंज होने वाला है। और यहाँ पे जो कर्मचारी वो अच्छे से इसको जाँचेंगे कि केबलिंग सही से हुई है या नहीं हुई है। फिलहाल इन केबलों के अंदर पावर नहीं है दोस्तों, वरना इन जितने भी कर्मचारी ऊपर चढ़े हुए उन सबको ये भुट्टा बना देता, बहुत ख़तरनाक होता है। 25,000 केवीए वोल्ट के साथ में इस तरीके की कोई भी मजाक अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पे कुछ फॉल्ट फाइंड हुआ है एंड दे आर फिक्सिंग इट। तो हम लोग तब तक के लिए यहाँ पे वेट करेंगे ब्रेक को रिलीज़ करके, और जैसे ही क्लियरेंस मिलेगी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ओके गाइस, हमको क्लियरेंस मिल गई है, वी गॉट अ क्लियरेंस गाइस। सो WDM3D काफ़ी पुराना हो गया है लेकिन अभी भी देखो जान बाकी है यार इसमें। यहाँ से हम लोग ट्रैक को चेंज करने वाले हैं, देखो OHE वर्क टेस्टिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग के अंदर कोई भी गड़बड़ आई तो इसे तुरंत रुका जाएगा ट्रेन को और वहाँ पे रिपेयरिंग काम करा जाएगा। अरे भाई अपनी मुंडी बचा लो, मुंडी बचा लेना भैया, बचगी बचगी, मेरे को लगा मुंडी उड़ जाएगी भाई इसकी। तो दोस्तों हमको यहां से लगा के सिर्फ कुछ डिस्टेंस तक की इसको चेक करनी है। हाँ भाई सब चेक कर लो, उधर वाले इस साइड की चेक कर रहे, इस साइड वाले उस साइड की चेक कर रहे हैं, और ये लोग कोई डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो टाइम है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर, कुछ तो कैलकुलेट कर रहे हैं भाई ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। आप किसी को समझ में आ रहा है जरूर से कमेंट कर दो। आप देख रहे हैं IDMG और मैं हूँ ब्रिजेन चौहान, IDMG गेमिंग पर आपका स्वागत है। IndianTrainSim.com पे 27 तारीख की ऑफर को लेना ना भूले, 27 अक्टूबर। तो मुझे लग रहा है कि यार देखो जो केबल है ऑलमोस्ट परफेक्ट है, अब इन लोगों ने ऑटो रिकॉर्डर स्टार्ट कर दिया है तो हम लोग अब इस ट्रेन को थोड़ा सा रफ्तार में चला सकते हैं। लोकोमोटिव पूरी पावर लगा रहा है, 55 किलोमीटर की स्पीड है, लेकिन इतनी स्पीड में ये लोग छैया छैया ऊपर क्यों कर रहे हैं यार। चलो छैया 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 छैया, चलो छैया छैया छैया, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रेन चल रही है भैया, अगर इससे ज़्यादा रफ्तार हुई ना तो छैया छैया साइड में रह जाएगा भैया, हो जाएगा बाय बाय ट्रैक के ऊपर से। तो ट्रैक सारे क्लियर है जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं,
मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो भी करंट लगा हुआ लोकोमोटिव है वो डेड है। इस लोकोमोटिव के अंदर पावर नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही साथ में चल रहा है कोचिस के जैसे। ये पेंटोग्राफ के लिए लेकर आया, पेंटोग्राफ की हाइट टेस्टिंग हो रही है, पेंटोग्राफ की हाइट एकदम करेक्ट है जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा जंक्शन देखने को मिलने वाला है, ये बहुत ही बड़ा जंक्शन है, मतलब यार्ड है, ठीक है। और आप देख सकते हो पेंटोग्राफ की जो हाइट है वो एकदम करेक्ट है, ऊंची कुबरी टच हो रही है, लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इन लोगों ने सेफ्टी हार्नेस लगा के रखे हुए इसलिए ये लोग ऐसे खड़े हुए, आप लोग कभी ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश ना करें, सुरक्षित और रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करें रेलवे के अंदर, इस प्रकार की कोई गलतियां ना करें। केबल पावर देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, पावर सप्लाई जो है वो मतलब केबल जो है वो चली गई है। और आगे नया सेक्शन में केबल कितनी देरी से आ रही है वो उनको टेस्ट करना होगा, जैसे वो आती है तो उसकी जो केबल की हाइट है क्या वो भी लोकोमोटिव के पेंटोग्राफ के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है, हमको वो भी चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जहाँ पे भी केबल का जॉइंट है हम लोग वहाँ तक चलेंगे, उसके बाद इस वीडियो का करेंगे अंत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिए, और अनोखी चीज़ें देखनी हो आप लोगों को रेलवे के रिलेटेड या गेम के अंदर, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और आपका सपोर्ट बनाए रखिए। आई थिंक केबल बहुत दूर है दोस्तों, तो यहीं पे इस वीडियो का करेंगे अंत। इसी के साथ आज का कार्यक्रम होता है यहीं समाप्त। सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके प्यार मोहब्बत की हमें बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट करते रहिए और हमें इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दिवाली की ऑफ़र चेक करना ना भूलें, indiantrainsim.com के ऊपर, fastrankgame.com पर 30 तारीख को, इंडियन ट्रेन सिम पर 27 तारीख, 30 तारीख और 3 तारीख। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अभी से।